गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज है डे टू ऑफ गणेश चतुर्थी। तो आज सुबह की पूजा आरती वगैरह हो गई हैं, आप भी दर्शन कर लीजिए और प्रसाद भी चढ़ा लिया है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का वर्कआउट हो गया, सुबह ही हो गया था। कितना 9:30 बजे तक, 8:30 से 9:30, तो करीब 1 घंटे की वर्कआउट। तो 1 घंटे की वर्कआउट थी आज। मैंने किया स्टार्टेड विथ वार्म अप ऑन रोअर, फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। आज मैक्सिमम टाइम मैंने TRX बैंड पे स्पेंड किया, तो काफ़ी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस ट्रेनिंग काइंड ऑफ। फिर टू एंड विथ कार्डियो ऑन ट्रेडमिल, और कार्डियो में भी ट्रेडमिल पे भी आज काफ़ी एंड्योरेंस वर्क किया, काफ़ी एलिवेशन एंड देन स्पीड वर्क, एंड या इट वॉज वेरी गुड। फिर नहा धो के पूजा कर ली, जैसा कि आप देख रहे हैं। आज सेकेंड डे है अपना गणेश चतुर्थी का, तो सेकेंड डे मॉर्निंग की पूजा हो गई, प्रसाद चढ़ा दिया, और शाम में भी आप लोग ज़रूर ज्वाइन करना, शाम में भी करेंगे। आज अच्छा कुछ काढ़ा प्रसाद बनाएंगे। तो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है और अब काटेंगे घास। घास थोड़ी बड़ी हो गई है, तो क्योंकि वीकेंड है, वीकेंड में काटना सही रहेगा। ये देखिए थोड़ा बड़ा हो गया है, अपने बाजू वाले ने ऑलरेडी काट दिया तो उनका डिफरेंस लग रहा है, तो अपना ये है, तो जल्दी से काट लेते हैं। तो ये देखो काटते ही कितना सही लगता है, काटने में ना उतना टाइम नहीं लगता है, बट वही है आलस का, और उसी आलस में 1 वीक से 2 वीक हो जाता है और इतना घास बढ़ जाता है कि फिर टिकट आ जाता है, और टिकट आ जाता है तो बस फिर तो क्या बताएं। पेनल्टी से बचने के लिए चाहे उस दिन बारिश हो चाहे कुछ भी हो, करना पड़ जाता है। तो इस बार समय से पहले ही कट कर देते हैं। देखो क्या साफ लग रहा है, एकदम बेहतरीन। तो ये मैंने एक नया कलर लिया है, पिंक, पिंकिश, थोड़ा शिमरी, एंड तो सबसे पहले कोट जाएगा इसका, ये होगा बेस, एंड फिर लगेगा ये, एंड देन ऑन टॉप ये। तो ये जो है वो नेल को प्रोटेक्ट करता है, चिपिंग होने से रोकेगा, एंड देन कलर भी जो चिप आउट होके निकलता है उससे भी बचाएगा। तो इट्स अल्टीमेट शील्ड इज व्हाट दे आर सेइंग। तो शुरू करते हैं। तो पहले लगाते हैं, कोट कर लो इसे। देखो ऑलरेडी शिमर लग रहा है, दिस इज मी। अब इसमें भी लगाते हैं, इसी तरह सब में। मैंने नेल्स बहुत छोटा कट कर लिया, तो ये देखिए सूखने के बाद नेल पॉलिश ऐसा लग रहा है, ठीक है ना, अच्छा ही है। ओके ओके, नॉट बैड, इट्स गुड। और शाम हो गई है, और शाम की आरती पूजा के लिए थोड़ा सा प्रसाद बना लेते हैं। तो ये आटे का हलवा या काढ़ा प्रसाद भी बोलते हैं, तो वो बना लेते हैं। और इसमें मैं गुड़ की चाशनी डाल के बना रही हूँ। वाओ, भूनते हुए क्या खुशबू आ रही थी, अरोमा पूरे घर में फैल गई। तो झटपट आटे का हलवा बना लिया, ये देखिए क्या स्वादिष्ट था। तो चलिए भगवान को चढ़ाते हैं और आरती करते हैं, आप लोग भी आ जाओ।
और पूजा वगैरह होने के बाद आज ये थोड़ा डांस प्रैक्टिस सेशन है, तो एक नए सॉन्ग में थोड़ी सी कंपोजिशन चल रही है, प्रैक्टिस चल रही है। इसका लिंक मैं ऊपर डालूँगी, आप लोग दोस्तों आप लोग ज़रूर मेरे डांस वीडियो को देखना, और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को मेरा डांस कैसा लगा एंड नेक्स्ट टाइम कौन से गाने पे मुझे कंपोज करना चाहिए एंड डांस करना चाहिए। तो ये मैं नया एक फॉर्म सीख रही हूँ, कोशिश जारी है, अभी तक कुछ परफेक्शन आया नहीं है, बट कोशिश जारी है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस।